करने के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से मंडियों में आने वाले गेहूं की खरीद का काम तेजी से चल रहा है। अप्रैल में आने वाले गेहूं को खरीदने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एमएसपी पर किसान गेहूं बेचकर जा रहे हैं। एजेंसियों की तरफ से की जा रही खरीद को तेज करने के साथ ही उठान को तेज करने के आदेश अधिकारी दे रहे हैं। बता दें कि भिवानी अनाज मंडी में अभी तक 30% गेहूं का उठान हुआ है। वहीं अनाज मंडी में व्यवस्था को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर शेड्यूल से खरीद शुरू कर दी है। किसानों को असुविधा ना हो इसके लिए शेड्यूल से खरीद करने का निर्णय लिया है। वहीं मंडी के आंकड़ों पर नजर डाले तो ढिगांव मंडी में 2300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इसी प्रकार लोहारू मंडी में 2200 सेंटीमीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इसके अलावा बहल में 1465 तो भिवानी में 1076 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। वहीं योगेश कुमार मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंडियों में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए सरकार ने फैसला लिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को खत्म कर पहले की तरह शेड्यूल के हिसाब से खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल किसान मंडी में कभी भी ला सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी भिवानी। सर, एक नियम में बदलाव किया गया है, पहले आओ पहले बेचने का। देखिए, कोरोना का टाइम है और सीएम साहब ने ये जमींदारों की भलाई के लिए ये किया है। भाई, मंडी में ज़्यादा भीड़ नहीं हो, जमींदार का माल ज़्यादा खराब नहीं हो, क्यों जमींदार के पास जितना गेहूँ हो जमींदार अपने पास 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन रख सकता है। मंडी में लेके आएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, उठाने में, गाड़ी लोड करने में, अनलोडिंग करने में काफ़ी जमींदार को दिक्कतें आएंगी। तो इनको सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया गया है कि जमींदार का जब भी शेड्यूल हो, जब उसके पास मैसेज आए, तब अपनी गेहूँ की फसल को मंडी में लेके आए। सरसों की फसल को जमींदार कभी भी लेके आ सकता है। सर, इसमें मैसेज जो किसान ना पाए समय पर वो क्या कर सकते हैं? जो किसान समय पर नहीं आ पाए उसके पास पोर्टल में उनके पास मैसेज आएगा, उससे अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। जमींदार के खुद हाथ में है, अपना शेड्यूल दोबारा डाल सकते हैं भी मैं इस डेट को लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर एक बार पूरे सिस्टम को दोबारा से बताएंगे, किसानों को किस प्रकार आ सकते हैं जो उनको आसानी है? जमींदारों के पास एक मैसेज आता है कि आप इस तारीख को, जैसे 15/4/2021 को आप इतने क्विंटल गेहूँ अपनी मार्केट कमेटी भिवानी, जैसे जूई, लुहारू, धनाना परचेज सेंटर, चांग, बोवानीखेड़ा, कोई उसके पास लिखा आएगा, आप उतनी फसल आप कहीं भी उस तारीख को लेके जा सकते हो। तो जमींदार का मैसेज आएगा, उसमें अपना जमींदार उसी तारीख को जमींदार अपना मंडी में गेहूं लेके आ जाए, तो आते उसको कोई सुविधा नहीं होगी। हमने यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।